खबर बेमेतरा से है, जहां पर दामाखेड़ा आश्रम पर हमला किया गया। बताया जा रहा है कि प्रकाश मुनि के बेटे उदित मुनि नाम साहेब पर यह हमला हुआ है। सरपंच के परिवार पर हमले का आरोप है। पुलिस ने चार आरोपियों को फिलहाल हिरासत में लिया है। गृह मंत्री विजय शर्मा, पूर्व विधायक शिवरतन शर्मा भी यहां पर पहुंचे। सिमगा तहसील के दामाखेड़ा की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर प्रकाश मुनि के बेटे उदित मुनि नाम साहेब पर हमला हुआ है। आश्रम पर हमले की ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। सरपंच के परिवार पर हमले का आरोप लगाया जा रहा है। पुलिस ने फिलहाल इस पूरे मामले में चार आरोपियों को हिरासत में लिया है। मोहन पटेल हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहन, ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, जो खबर सामने आई है, प्रकाश मुनि के बेटे पर हमला किया गया, क्या वजह बताई जा रही है, क्योंकि आरोप भी सरपंच पर लगा है। जी, बताना चाहूंगा कि ये बेमेतरा सिमगा का तहसील का मामला है, जो कबीर धर्मनगरी है, जहाँ लाखों के लोग अनुयायी वहाँ से जुड़े हुए हैं, कबीर पंथी के लोग हैं। वहाँ के सरपंच के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि वो रात में आश्रम के ऊपर फटाके और अर्गलन गाली गलौज देकर, उनके वंशज उदित नाम साहेब के ऊपर गाली गलौज देकर कसर कसी किए हैं, और उनके आदमी जो हुड़दंगी किए हैं, जो आश्रम के सामने जाकर फटाके और गाली गलौज किए हैं, फटाके फोड़े हैं और अंदर में फटाके फेंक फेंक कर गाली दिए हैं, तो कहीं ना कहीं कबीर पंथियों के लोगों को आहत हुई है, और कबीर पंथियों के द्वारा और पूर्व प्रकाश मुनि नाम के द्वारा वहां सूचना दी गई। गृह मंत्री पहुंचे, पूर्व विधायक शिवरतन जी शर्मा पहुंचे हैं, तो और एसपी और पूरे पुलिस बल वहां पर पहुंचे थे, और कुछ लोगों को, चार से पांच लोगों को रात में ही हिरासत में ले लिया। मोहन, क्या सरपंच या सरपंच के परिवार का आश्रम से किसी तरह का कोई विवाद या पुरानी रंजिश? ऐसे बात सामने खुलकर आ रही है, अभी तो उनसे बात नहीं हुई है, लेकिन वहाँ पर कबीरपंथियों के द्वारा ये बताया जा रहा है कि सरपंच जो है पूर्व से ही आश्रम के ऊपर गंदे बातें करते, कसा कसी करते रहते हैं, और कुछ क्रिकेट मैदान के ऐसा कुछ बताया जा रहा है कि क्रिकेट मैदान को लेकर कुछ वाद विवाद हुआ था, वहाँ पर खेल रहे थे, तो इस बात से लेकर रंजिश है। तो वहाँ सरपंच पति है, जो महिला है, सरपंच पति के द्वारा ये उनके लोगों के द्वारा यहाँ कसा कसी कर पटाखे और गाली गलौज किए हैं रात में। क्या अभी स्थिति वहाँ पर सामान्य है? अभी तो देर रात स्थिति 2 से 2:30 बजे रात की बात है, वहाँ पर गृह मंत्री पहुंचे थे, विजय शर्मा और शिवरतन पूर्व विधायक थे, एसपी थे, तो कमान तो संभाल लिए थे, और रात में ही कमान संभालने के बाद कोई हुड़दंगे नहीं हुए हैं, उसके बाद अभी माहौल शांत है। जी, चलिए, स्थिति पर नजर बनाकर रखिएगा मोहन, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो दामाखेड़ा स्थित आश्रम में हमला किया गया है। बताया जा रहा है कि प्रकाश मुनि के बेटे उदित मुनि नाम साहेब पर यह हमला हुआ है, जिसकी वजह से यहां पर एक तनावपूर्ण स्थिति जरूर निर्मित हुई थी, लेकिन समय रहते यहाँ पर स्थिति को संभाल लिया गया है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में चार लोगों की गिरफ्तारी की है, और जैसे ही यह सूचना प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय शर्मा को लगी, तो वो भी वहां पर पहुंचे थे, उन्होंने भी वहां पर मुलाकात की है। दामाखेड़ा पहुंचकर प्रकाश मुनि जी से उन्होंने मुलाकात की है। गृह मंत्री विजय शर्मा वहां पहुंचे थे, उनके साथ ही पूर्व विधायक शिवरतन शर्मा भी दामाखेड़ा कल रात पहुंचे थे। बेटा उदित मुनिनान साहेब ऊपर हमला हुए है, सरपंच के परिवार ऊपर हमला के आरोप है। पुलिस आज चार आरोपी मल्ला हिरासत में लिए है। गृह मंत्री विजय शर्मा, पूर्व विधायक शिवरतन शर्मा यहां पहुंचे। सिमगा तहसील के दामाखेड़ा के घटनाएं तब एमी तरह ले बड़ी खबर आप मल्ला बतावत हन। जी हाँ, दामाखेड़ा आश्रम में हमला हो गए। प्रकाश मुनि के लड़का उदित मुनिनान साहेब ऊपर हमला हुए है। सरपंच के परिवार ऊपर हमला के आरोप लगे है। पुलिस हा चार जन आरोपी ला हिरासत में ले लेगी है। गृह मंत्री विजय शर्मा वहां पहुंची। दामाखेड़ा आश्रम ऊपर हमला हुए है। सिमगा तहसील के दामाखेड़ा के घटना आप मनला बतावत हन। सरपंच के परिवार ऊपर हमला के आरोप लगाए गए है। सूरजपुर ले बड़े खबर है, दामाखेड़ा आश्रम में हमला हो गए। सिमगा तहसील के दामाखेड़ा के घटना आप मनला बतावत हन। दामाखेड़ा आश्रम ऊपर हमला हुए है। एमा ज्यादा जानकारी पर हमर सहयोगी मोहन पटेल जुड़ गए है। मोहन, काबर ये हमला हुए है, एखर का जानकारी मिल पाते है, अभी स्थिति कैसे बनी हुई है? पूरा मामला जो है सिमगा तहसील के दामाखेड़ा के है, और ये
जो बीते देर रात में जो घटना हुए है कि सरपंच महिला सरपंच के पति जो है अपन कुछ साथी मन लेके परिवार जन लेके वहाँ आश्रम में गाली गलौज और फटाका फेंक के गाली गलौज करे है। और जो प्रकाश मुनि नाम साहेब है जो कबीर पंथ के गुरु है और जेखर वंशज है उदित नाम साहेब जेखर ऊपर कसा कसी करे है गाली गलौज करे है। देर रात में जो है वो फटाका में दिवाली के अवसर में वो अपन धर्म नगरी के कबीर धाम में जो धमाखेड़ है वहाँ निकले रही से और वो देखी से कि कहीं कहीं जो मांस मदिरा जो है अंडा वंडा का सेवन करत देखी से तो कुछ लोग वो बोली से कि ये हमार कबीर पंथ में ये ठीक नहीं है ऐसे कुछ बात लेके वहाँ पे बयान हुई से जिमें वो सरपंच के जो तरफ के जो लोग है वो कर ऊपर आक्रोशित बात करी से कि ये बोले के का जरूरत है ऐसे बात लेके विवाद हुई से और ओखर कारण ये रात में सरपंच के द्वारा ये बताया जाता है कि वहाँ जो कबीर पंथ के लोग है जो ये बतावा था कि सरपंच के लोग है जो यहाँ हमला करी से गाली गलौज करी से पटाखा फेंके है आश्रम के अंदर गंदा गंदा बात करे कुछ बात भी सामने आ रही से कि 10 लाख जो है सांस्कृतिक विभाग से आ रही से वो पैसा ला वो सांस्कृतिक विभाग के बाद पैसा ऐसे जन ला वो खर्चा वर्चा नहीं करे तो धर्म नगरी के लिए वो आ रही से वो पैसा ला दबा के रखे ये बात की चर्चा रही से ये बात से कबीर पंथ के लोग मन जिन है नाराज रही से तो कहीं ना कहीं ये सब बात ला लेके जो सरपंच पति है वो आक्रोश नजर आई से वो ये सब मुद्दा ला लेके रात में अपन आदमी ला लेके आश्रम ऊपर कसा कसी करी से गाली गलौज करी से फटाका फेंक के दुर्व्यवहार करे हवे। जी मोहन बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पर।